आज की इस वीडियो में हम विजुअल बेसिक 404 के यूनिट 2 से रिलेटेड कुछ और प्रोग्राम्स यहाँ देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल। जैसे यहाँ पर आप इस स्क्रीन को देख सकते हो कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स प्रिंट करानी है। यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितनी करानी है, तो सिंपल सा है, हमें जहाँ तक हमारा मन होगा हम वहाँ तक उसको क्लिक मतलब टेबल का प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है कि जब हम फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर हमें एक कमांड बटन डिज़ाइन करना होगा, जिस पे क्लिक करने से हमारी टेबल्स प्रिंट होंगी और टेक्स्ट बॉक्स होंगे कि जहाँ पर हम नंबर्स इनपुट करेंगे कि फर्स्ट नंबर कहाँ से कहाँ तक के हमें टेबल प्रिंट करना। तो आइए इसका देखते हैं ये सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आई और जे, क्योंकि विदाउट लूप के हम टेबल्स प्रिंट नहीं करा सकते। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारी जो कोडिंग है ये इस रन बटन की कोडिंग है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने लूप स्टार्ट किया कि हमें पहले तो इस लूप का मीन्स ये है कि हमें टेबल कहाँ तक प्रिंट करानी है। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 से टेबल स्टार्ट हुई है और 10 तक की टेबल हमें प्रिंट हुई है। तो मतलब हमारा लूप 1 से स्टार्ट होकर के 10 तक जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने ये लिया हुआ है। अब टेबल्स के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पर j बराबर 1 दिया और 2 10, मतलब टेबल हमें 10 तक की प्रिंट करानी है, लेकिन हर एक टेबल क्या है वो भी 10 तक होती है, इसलिए यहाँ पर ये 10 तक है। अब क्या करेंगे, एक p एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया जिसमें हम मल्टीप्लीकेशन करा के उसको प्रिंट कराते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने किया i इंटू j, मतलब 1 इंटू 1। ठीक है, i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 1, ठीक है इस तरीके से, फिर 3 इंटू 1, फिर 4 इंटू 1, इस तरीके से ये चलेगा। तो प्रिंट होगा, i प्रिंट होगा पहले हमारा, i की मतलब वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी, फिर उसके साथ एक बीच में स्टार साइन हम प्रिंट कराएंगे, इसलिए यहाँ पर ये कोट्स में स्टार साइन दिया हुआ है, फिर जे की वैल्यू मतलब 1 और फिर इस तरीके से और फिर इज इक्वल टू पी, जो पी में आता जाएगा हम यहाँ इसको स्टोर कराएं। फिर नेक्स्ट जे, नेक्स्ट जे का मतलब है कि जे में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू प्लस 1 हो जाएगी मतलब 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये टेबल्स प्रिंट कराएंगे और ये टेबल हमारी तब तक प्रिंट होती रहेगी जब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा। आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा के फाइंड सम ऑफ 1 प्लस x + x2 + x3 + xn, वेयर x इज़ एन इंटीजर। मतलब हमें क्या करना है, इस सीरीज का सम प्रिंट कराना है कि जैसे 1, फिर उसमें x की वैल्यू जुड़ेगी, फिर उसमें x 2 जुड़ेगा, फिर x स्क्वायर फिर x क्यूब फिर x, ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या है कि देखो, जो हम डिज़ाइन करेंगे वो तो डिज़ाइन व्यू में हमारा क्या होएगा, डिज़ाइन व्यू हम नीचे देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा डिज़ाइन है। मतलब इसको क्या होगा कि ये इस तरीके का हम फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पर ये हमारे 3 लेवल हैं कि एंटर n, एंटर x और फिर उनका सम, और सम कब होगा जब हम इस क्लिक हेयर बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे होगी। तो सिंपल सा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, इसको करने के लिए हमारे पास 3 वेरिएबल चाहिए, एक तो n, दूसरा x और तीसरा लूप के लिए i। अब हमने क्या किया कि पहले इस बटन क्लिक हेयर बटन की प्रोग्रामिंग करेंगे, तो हमने सबसे पहले सम में 1 इनिशियलाइज करा दिया क्योंकि इन्हें करा है 1 प्लस से। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर इन्हें पूछेगा इफ़, ये कंडीशन चेक करेगा, इफ़ वैल टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट और x इज इक्वल, मतलब पहले में
मतलब एन की वैल्यू, सॉरी एन की वैल्यू और नीचे एक्स की वैल्यू। अब वन टू एन तक चलेगा, उसके बाद क्या होगा कि सम प्लस एक्स टू दी पावर आई। यहाँ पर ये एक्स टू दी पावर पावर के लिए यूज़ किया जाता है, ये सिंबल एक्स टू दी पावर आई हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से ये लूप घूमता रहेगा और जो हमारा फाइनल सम जो प्रिंट होगा जब क्लिक है यार पे, तो इस टेक्स्ट में क्लिक होगा तो यहाँ पर हमने लिख दिया टेक्स्ट 3.txt इज इक्वल टू सम। तो इस तरीके से हम इस सीरीज को प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट द नंबर्स इन फॉलोइंग फॉर्म। तो ये प्रोग्राम है हमारा कि इस सीरीज को जनरेट करेगा, मतलब पैटर्न सीरीज हमें जनरेट करनी है कि वन प्रिंट होगा, फिर टू प्रिंट होगा, फिर वन टू थ्री, फिर वन, यहाँ पर एक मिस है, यहाँ वन आएगा फिर वन टू आएगा। ये सीरीज़ हमारी कुछ इस फॉर्म में प्रिंट होगी कि वन वन टू, वन टू थ्री और वन टू थ्री फोर, ये पैटर्न प्रिंट होता है। ये रॉन्ग पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पर। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इनको ये नेस्टेड लूप का यूज़ होगा। जब नेस्टेड लूप का यूज़ होगा तो हमें नेस्टेड लूप यूज़ करने के लिए हमें क्या है, मिनिमम दो वेरिएबल्स तो चाहिए। तो वो दो वेरिएबल्स हमारे आई और जे हो गए। ठीक है, हमने क्या किया, इन्हें अब यहाँ देख सकते हो कितनी रोज़ हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। तो हमारा फर्स्ट लूप जो चलेगा वो रोज़ के लिए चलेगा। तो यहाँ पर हम जब रन बटन की प्रोग्रामिंग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर वन टू फाइव। अब फॉर जे बराबर वन, स्टार्ट कहाँ से होना है, वन से होना है और कहाँ तक, आई तक जाता हूँ कॉलम के लिए, ये दूसरा चलेगा कॉलम्स के लिए जब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आई की वैल्यू वन है और वन इज लेस देन फाइव रहेगा। ठीक है, फिर जे की वैल्यू वन हो गई, फिर जे इज लेस देन इक्वल टू आई, मतलब वन इज लेस देन इक्वल टू वन, लेस देन नहीं है लेकिन वन है, बराबर है। तो प्रिंट कराएंगे जे, जे की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट। तो इस तरीके से पहला वन प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जे में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू हो जाएगी टू, टू इज लेस देन वन, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो लूप ब्रेक होगा, फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी टू, जे की वैल्यू वन से स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से ये पैटर्न हमारा प्रिंट होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, एक लिस्ट बॉक्स। इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने क्या करना है, लिस्ट बॉक्स प्रोग्राम बनाना है। मतलब जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि लिस्ट बॉक्स क्या करता है कि हमारी जो डायरेक्टरी में फाइल्स होती हैं उनकी लिस्ट दिखाता है, मतलब सॉरी फाइल की लिस्ट नहीं दिखाता, कि अगर हम जैसे कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर एक देखोगेगा कि यहाँ पर एक लिस्ट आती है, इधर लिस्ट के नाम दिए होते हैं, उसको हम स्क्रॉल करके हमें जो भी सिलेक्ट करना होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जिसमें ये नाम रखने हैं कि कंप्यूटर साइंस अकाउंटिंग और सेक्रेटरी। तो क्या करेंगे, जैसे हमें पता था कि ऐड आइटम फंक्शन यूज़ होता है लिस्ट में एलिमेंट ऐड करने के लिए, हम क्या करेंगे, जब इसके लिए क्या करेंगे, लिस्ट ए ऐड डॉट ऐड आइटम फर्स्ट नेम, फिर लिस्ट ए ऐड आइटम, फिर दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम, पाँचवा नाम, उसके बाद इसको रन करा देंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे यूनिट टू से रिलेटेड। ठीक है, और यूनिट टू कंप्लीट हो गया है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम यूनिट थ्री पढ़ेंगे। थैंक यू।